नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता में दिए गए शास्त्रोक्त विधि से च्यवनप्राश बनाने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम 5 किलो आंवले का च्यवनप्राश बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम स्क्रीन पर दिए गए सभी 37 औषधियों को 50-50 ग्राम लेकर अच्छी तरह कूट कर इसको चूर्ण बना लिए हैं। अब इस चूर्ण को हम 12 लीटर पानी में भिगो देंगे। 12 घंटे पूरी रात इसको भिगो को छोड़ देंगे। उसके बाद सुबह जब वो भीग जाएगा तब फिर उसके बाद उसका हम क्वाथ बनाएंगे। ये आंवला जो है जाड़े के सीजन में पर्याप्त मात्रा में मिलता है और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आंवले का सेवन किसी भी प्रकार से किया जाए वो सेहत के लिए लाभदायक तो होता ही है, लेकिन इसमें आयुर्वेद में च्यवनप्राश जो दिया गया है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए देखिए, पहले हम इसको बाल्टी में भिगो दे रहे हैं। इसको अच्छी तरह 12 घंटे भिगोने के बाद देखिए, अब हम चूल्हा जला लिए हैं। अब इसके ऊपर हम भगोने को रख दे रहे हैं। भगोना थोड़ा गर्म हो जाए, अब इसमें जो है जो काढ़े को हम भिगो करके रखे हैं शाम को, उसको इस भगोने में हम डाल रहे हैं। अब देखिए, पूरा काढ़ा जो भिगो रात में भिगो करके रखे थे उसको हम भगोने में डाल दिए हैं। अब इसको हम धीमी आंच पे धीरे धीरे इस आंवले को पकाएंगे। काढ़े को जितना ही काढ़ा धीमी आंच पे पकता है, काढ़ा इतना ही गुणकारी होता है, उतना ही बढ़िया माना जाता है। लकड़ी की आंच पे पकाने से ये होता है कि जितनी ही धीमी आंच पे पकता है उतना ही बढ़िया होता है। देखिए, मेरा काढ़ा पक रहा है, लगभग काढ़ा मेरा आधा पक चुका है, इसमें आधा पानी जल गया है। अब इसके बाद हम इसमें आंवले को डालेंगे। इसके लिए हम आंवले को अच्छी तरह से धो लिए हैं। धो करके उसको कपड़े में पोटली बनाएंगे। इसको देखिए, आंवले को एकदम साफ धो करके साफ सूती कपड़े में इसको जो है बांध रहे हैं। इसे कपड़े में बांध के डालने से होता है कि हम की जो लकड़ी के जो चूर्ण का क्वाथ का जो सिल्ट होता है वो मेरे आंवले पे नहीं आएगा, मेरा आंवला गंदा नहीं होगा और मेरा आंवला एकदम सुरक्षित अच्छी तरह से उसमें पक जाएगा और औषधि की पूरी मात्रा भी इसके अंदर आ जाएगी। अब देखिए, इसको हम गांठ लगा रहे हैं। गांठ लगा करके अभी इसको हम किसी लकड़ी या छड़ के सहारे उसमें लटका देंगे। इसको अच्छी तरह से गांठ लगा दे ताकि वो पानी के अंदर छूटने ना पाए तथा क्वाथ का कोई भी कचड़ा या सिल्ट जो है इसके अंदर न आने पाए। अब अच्छी तरह से गांठ लगाने के बाद अब हम उसी भगोने में उसको किसी लकड़ी के सहारे जो है लटका देंगे। देखिए, हम लटका दिए हैं। लटकाते समय हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मेरा आंवला जो है पूरी तरह क्वाथ में डूबा रहे, इस और उसके ऊपर से थोड़ा सा ढक देंगे। अब देखिए, मेरा आंवला लगभग पक के तैयार हो गया है। पक गया, पकने के बाद फट जाता है। अब देखिए, आग को बुझा दिए हैं और आंवले को देखिए, मेरा आंवला उसमें दिख रहा है, एकदम पक चुका है आंवला मेरा। ये लगभग 1 घंटे में अच्छी तरह से पक जाता है मंदाग्नि पे। अब देखिए, मेरा आंवला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको हम उसमें से निकाल लेंगे। देखिए, आंवला कितना सुंदर पक गया है अच्छी तरह से, सब आंवले फट गए हैं। अब इसको हम एक एक आंवले को फोड़ करके इसमें से बीज को अलग कर लेंगे और जो आंवले की गुद्दी है उसको हम अलग कर लेंगे। इसी तरह हम सारे आंवलों को फोड़ करके उसमें इसके बीज को अलग कर लेंगे तथा इस गुद्दी को सेफ रख लेंगे। इसके बाद जो मेरा काढ़ा बचा हुआ है, उस काढ़े में से हम इसमें जितनी भी काष्ठ औषधियाँ हैं उसको हम अच्छी तरह से निचोड़ करके बाहर निकाल लेंगे।
क्योंकि ये काढ़ा ही सारी गुणवत्ता इसी काढ़े में होती है। दवा का सबसे फायदेमंद चीज़ है ये। इसको देखिए, हम इसको निचोड़ रहे हैं, निचोड़ करके निकाल रहे हैं, फिर इसको हम एक कपड़े के सहारे से देखिए बाल्टी में छान ले रहे हैं। देखिए सूती कपड़े से जो है इसको छान लेते हैं और इसको बहुत ही सुरक्षित तरह से रख लेंगे। देखिए हम छान रहे हैं काढ़े को, क्योंकि जब हम पाक बनाते हैं तो फिर पानी की जगह पे हम चीनी में इसी काढ़े को यूज़ करते हैं, इसी काढ़े के सहारे हम चीनी का पाक बनाते हैं, इसलिए इसको हम छान करके अच्छी तरह से इसको हम सुरक्षित रख लेंगे। और बाकी जो उधर हमारे आंवले की गुद्दी है उसको हम पीसेंगे, देखिए हम इसको जो है निचोड़ करके पूरा क्वास जो निकाल ले रहे हैं। देखिए मेरा काढ़ा जो है अलग साफ हो गया, सारी जो इसमें की सिल्ट है वो बाहर निकल गई। अब इसको हम ढक करके जो है रख लेंगे और जो आंवले की गुद्दी हम रखे थे उसको हम बारीक पीस लेंगे। उसको पीस के इसको पिष्टी बोलते हैं, इसको बारीक पीस करके उसको पिष्टी बना लेंगे। देखिए हम इसी तरह से इसको जो है मसलिए। कुछ लोग इसको मिक्सर में पीस लेते हैं, कुछ लोग इसको जूट की बोरी पे या जाल के ऊपर रख करके घिसते हैं, उस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम प्रक्षेप द्रव्य की तैयारी करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले से हम बन के तैयार रखेंगे। देखिए ये जो है ये इलायची है 50 ग्राम, ये जो है नाग केसर है 50 ग्राम, ये तेज पत्ता है 50 ग्राम, देखिए ये जो है 100 ग्राम पीपर है, इसको बड़ी पीपली बोलते हैं, और ये जो है सफ़ेद कलर का जो है ये बंसलोचन है 200 ग्राम, बहुत ही फायदेमंद होता है, ये हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें। अब इन सभी औषधियों को लेकर के हम खल में कूट लेंगे। देखिए हम खल को अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं, खूब इसको धो करके पोंछ लिए हैं। अब इसमें देखिए हम तेज पत्ता डाल दे रहे हैं, क्योंकि तेज पत्ता जो है कूटने में सबसे अधिक समय लगता है, जल्दी कूटता नहीं तेज पत्ता, इसलिए सबसे पहले इसको डाल के थोड़ा कूट लेंगे। अब देखिए फिर इसी में जो है हम दालचीनी डाल दे रहे हैं, अब इन दोनों को थोड़ा सा हम कूट लेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखिए इलायची डाल दिए हैं, नाग केसर डाल दिए हैं, अब सभी द्रव्य को इसमें हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूटने के बाद इसको हम मिक्सी से पीस लेंगे, पीसने के बाद उसको फिर छानते हैं, छानने में जो भी खुजा आता है उसको फिर दोबारा पीसते हैं, फिर छानते हैं, फिर पीसते हैं, ये जब तक इसमें खुजा निकलेगा देखिए इसको तब तक हम पीसते रहेंगे, 2-3 बार 4 बार 5 बार पीसेंगे ताकि पूरा खुजा जितना ख़त्म हो जाए और वो एकदम बारीक हो जाए, क्योंकि थोड़ा भी मोटा रहता है तो दांत में खिसकता है, हमारी दवाई चौपाई गुणवत्ता ख़राब होती है। देखिए मेरा जो है प्रक्षेप द्रव्य तैयार हो गया है, कितना बारीक बढ़िया पीस के इसको छान लिए हैं। अब इसको हम सुरक्षित रख देंगे, अभी की आवश्यकता हमें बाद में सबसे लास्ट में लगेगी। पहले हम भगोने को देखिए आग पे रख देंगे। अब मेरा भगोना गर्म हो रहा है, भगोना थोड़ा गर्म हो गया है, अब इसमें हम 600 ग्राम देसी घी डालेंगे, ये शुद्ध घर का देसी घी है, 600 ग्राम इसको हम डाल दिए हैं। अब
अब जब मेरा घी गर्म हो गया, देखिए अब इसमें हम जो पिष्टी जो पिस करके रखे थे, कल आपको दिखाए थे जो आंवले की जो पिष्टी बनाए थे हम पिस करके, अब उसको इसमें हम डाल दिए हैं और इसको धीमी आंच पे भूनेंगे। ये तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। भूनते भूनते इसका कल देखिए कलर इसका जो है अब कॉफ़ी कलर में हो रहा है धीरे धीरे, ये इसकी पहचान है। भूनने के बाद जब भून देंगे इसको अच्छी तरह से, ये कॉफ़ी कलर का हो जाएगा। अब देखिए हम देख रहे हैं तेल छोड़ रहा है नीचे धीरे धीरे, मेरा पिष्टी लगभग जो है भून करके तैयार हो गया है। देखिए अब ये तेल छोड़ रहा है, देखिए नीचे जो है इसकी यही पहचान है, जब भून जाता है तो ये अपने आप तेल छोड़ देता है। फिर तेल छोड़ने देखिए अब इसको हम जो है मेरा भून के तैयार है, इसको हम निकाल ले रहे हैं। इसको हम किसी पात्र में निकाल लेंगे, निकाल के सुरक्षित रख लेंगे। फिर हम इसमें जो है लगभग 7.5 किलो चीनी का जो है पाक बनाएंगे। इसके लिए देखिए जो है काढ़ा जो कल मैं रखा था ना, मैंने आपसे कहा था काढ़ा जो इसको सुरक्षित रख ले रहे हैं, देखिए वही काढ़ा है, इसको हम भगोने में डाल दिए हैं। अब काढ़ा गर्म हो गया है, देखिए अब इसमें हम चीनी डाल दे रहे हैं। अब इसको जो है हम आँच पे धीरे धीरे पकाएंगे। जब पूरा काढ़ा बन गया है, पाक बन गया है, अब देखिए इसमें हम पिष्टी को डाल दे रहे हैं। देखिए धीरे धीरे पिष्टी को डाल रहे हैं इसमें, अब पिष्टी को भी इसी में पकाएंगे। पिष्टी को डालते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से उसमें मिल जाए। कहीं भी कोई गुठली न रह जाए इसमें, इसलिए इसको धीरे धीरे डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। देखिए हम सब पिष्टी डाल दिए हैं, अब इसको हम देखेंगे जब दो तार की चाशनी मेरी तैयार हो जाए, दो तार बनने लगे तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए आग को हमने धीमा कर दिया है, अब देखिए देख रहे हैं हम, ये मेरा जो है चाशनी तैयार, पाक तैयार है। अब इसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा, और ज़्यादा पतला उतार देंगे फिर पतला रह जाता है, बेकार हो जाता है, इसलिए बड़ी सावधानी से उसको देखना पड़ता है। देखिए मेरा ये सही हो गया, अब उतार लिए हैं, और जो प्रक्षेप द्रव्य में कल रखा था पीस करके, अब धीरे धीरे देखिए उसको डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। अगर एक ही बार उसको डाल देंगे तो उसमें जो है वो पाउडर ठीक से मिल नहीं पाएगा, ढोका ढोका बन जाएगा कहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको डालते जाइए, चलाते जाइए। देखिए तैयार हो गया, अब ठंडा हो गया, अब इसमें शहद मिला दे रहे हैं। देखिए वही प्रक्रिया शहद की भी है, उसको धीरे धीरे डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मेरा च्यवनप्राश देखिए तैयार हो गया है, अब इसको हम खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। इसको 2-3